उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विगत दिनों कृषि अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्हें सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक किसानों और जनता की समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर है। संसदीय चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली नैनीताल लोकसभा सीट है। इसके लिए उन्होंने अजय भट्ट को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से नैनीताल को लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने अपना स्नेह दिया है, उसी प्रकार वो जनता के विश्वास के साथ उत्तराखंड का विकास करते रहेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो आम लोगों और किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान करें। जहां मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वहीं इस जिले से एक विधानसभा को छोड़कर अन्य सभी विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी को प्रचंड बहुमत समर्थन मिला है और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मतों से माननीय अजय भट्ट जी विजयी हुए। मैं उसके लिए यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करने और इस प्रकार से मोदी जी ने पहली कैबिनेट में किसानों की चिंता की है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसी प्रकार 3 करोड़ आवास बनाए की घोषणा करने का निर्णय उसमें लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी, मोदी जी का जादू फिर चला है। जहाँ इंडिया गठबंधन कई दुष्प्रचार करने के बाद 234 तक पहुँच पाया है, वहाँ अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर 240 सीटें जीत चुकी है और गठबंधन की 293 से अधिक हमारी सीटें हैं और एक मजबूत सरकार फिर केंद्र के अंदर बनी है। मुझे सौभाग्य से शपथ ग्रहण समारोह में भी जाने का मौका मिला। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।